हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्टार्ट करते हैं आज के डेली एमसीक्यू के साथ। आज डेट है December 30, 2018 और आपके सामने आएंगे पांच सवाल। कोशिश करना कि आप सारे के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते रहो, ओके? और मेरा मेन मकसद ये है कि आपके साथ ऐसे पांच सवाल के कॉन्सेप्ट डिस्कशन में लेना जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो वीडियो को बगैर लाइक करे मत जाना। स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के साथ। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है परमवीर चक्र के बारे में, पीवीसी के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परमवीर चक्र। आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, द परमवीर चक्र इज द इक्विवेलेंट अवार्ड ऑफ द मेडल ऑफ ऑनर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में एक अवार्ड होता है जो कि होता है मेडल ऑफ ऑनर, उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। दूसरा है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखौन इज द लोन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू हैव बीन ऑनर्ड विद परमवीर चक्र टिल डेट, अभी तक। तीसरा है, दिस अवार्ड इज ओनली गिवन पोस्थमसली। पोस्थमसली का मतलब यह होता है किसी के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ, ओके? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी वन एंड टू, या डी ऑल ऑफ द अबव, या 1, 2, 3। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। हम लोग डिस्कशन में लेते हैं यहाँ पे परमवीर चक्र पीवीसी के बारे में। पीवीसी इंडिया का, हमारे देश का, भारत का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे मिलिट्री डेकोरेशन है। तो यह किन्हों दिया जाता है? मिलिट्री पर्सन्स को यहाँ पे दिया जाता है। और उन्होंने जो वॉर टाइम के अंदर, लड़ाई के अंदर, यहाँ पे जंग के अंदर जो अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखाया होता है, जो उनका योगदान होता है, उसको सम्मान करने के लिए यहाँ पे परमवीर चक्र दिया जाता है। ये जो अवार्ड है हमारा परमवीर चक्र, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली, जो है कि इक्विवेलेंट अवार्ड है जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दिया जाता है मेडल ऑफ ऑनर उसके, ओके? एंड और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसी टाइप का एक अवार्ड यूनाइटेड किंगडम यूके में भी दिया जाता है, जिसका नाम होता है यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है? यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखना, विक्टोरिया क्रॉस किसका अवार्ड है? यूके का अवार्ड है। मेडल ऑफ ऑनर किसका है? यूएस का है। परमवीर चक्र इंडिया का है, ठीक है? अभी तक अगर हम लोग बात करें, सिर्फ 21 सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको इस अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ओके? तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी। यहाँ पे जो पहला इस, ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अवार्ड था, ये जो पर्टिकुलर जो गैलेंट्री अवार्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकी शुरुआत हमारी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, EIC ने की थी। और यहाँ पे जो पहला अवार्ड था उसको इंस्टीट्यूट किया था यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? यहाँ पे 1834 के अंदर, एज दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट कर दिया गया 1902 के अंदर, इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा इसका नाम हो गया था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र का इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेवरी, ओके? यहाँ पे जो परमवीर चक्र है उसको आप गूगल सर्च करके देखना कि वो कैसा लगता है। उसका जो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो किसने किया है, जो परमवीर चक्र का डिज़ाइन किया है यहाँ पे? सावित्री खानोलकर ने। तो उनका भी नेम आप लोग लिख लेना अपनी डाइस ने, सावित्री खानोलकर ने यहाँ पे किया है परमवीर चक्र का डिज़ाइन, ओके? और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, दिस अवार्ड इज ओनली गिवन पोस्थमसली, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, 1 एंड 2, ओके? जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों इज द लोन, सिर्फ इकलौते इंडियन एयरफोर्स के ऐसे ऑफिसर हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं, यस द आंसर इज सी। और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, ओके? और यहाँ पे 1971 के अंदर पोस्थमसली यहाँ पे निर्मल जीत सिंह शेखों जी को, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर हैं, उनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है मॉडर्न इंडिया से और रिलेट करता है हमारे ब्रह्मो समाज के बारे में। आपको बताना है विद रेफरेंस टू द ब्रह्मो समाज, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इट एडवोकेटेड द टीचिंग ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। जो वेद्स हैं हमारे, जो उपनिषद्स हैं, उनकी टीचिंग को यहाँ पे एडवोकेट करता था ब्रह्मो समाज। दूसरी है, इट रेप्यूडिएटेड द इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास। इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो हमारे वेद्स हैं उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, दे आर व्हाट, दे आर यूनिवर्सल ट्रुथ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेप्यूडिएट कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ का खंडन कर रहे हैं। तीसरी है,
इट इनकॉर्पोरेटेड द टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन्स टू, तो बाकी जो और जो धर्म है उनकी टीचिंग्स भी यहाँ पे ब्रह्मो समाज के अंदर ऐड की गई हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ए थ्री ओनली, बी टू एंड थ्री, सी ओनली वन या डी वन टू थ्री। और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कशन हमारे ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो फाउंडर थे यहाँ पे ब्रह्मो समाज के। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जो राम मोहन रॉय जी हैं उनको जो राजा की उपाधि है वो किस यहाँ पे शासक ने दी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अकबर टू हैं उन्होंने यहाँ पे जो राजा है उसकी उपाधि दी थी राजा राम मोहन रॉय को। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्रह्मो समाज है उनके डॉक्ट्राइंस क्या हैं, किन किन चीज़ों पर यहाँ पे बिलीव करते हैं। सबसे पहली चीज़, दे बिलीव दे हैव नो फेथ इन एनी स्कल्पचर्स एज एन अथॉरिटी, तो कोई भी जो यहाँ पे जो स्कल्पचर है या कोई बुक है उसकी भी अथॉरिटी पे ये बिलीव नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी जो हमारे अवतार्स होते हैं उनके ऊपर भी बिलीव नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ जो ये है, यहाँ पे जो पॉलीथीज़म का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल मना करते हैं। पॉलीथीज़म मतलब कि मोर देन वन गॉड, यहाँ पे मोनोथीस्टिक रिलीजन ये है। ये बेसिकली क्या थी, एक रिफॉर्म मूवमेंट थी और इसको बंगाल रेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि गॉड इज़ वन, एक ही गॉड है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोथीस्टिक रिलीजन। इसके साथ साथ और क्या करती थी, यहाँ पे जो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सब चीज़ों को भी इग्नोर करती थी, उन चीज़ों को नहीं मानते थे यहाँ पे ब्रह्मो समाज। इसके साथ साथ यहाँ पे उनका फेथ था डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में, तो जो कर्म का जो डॉक्ट्राइन है उसके अंदर फेथ था कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और यहाँ पे आप जो रीबर्थ वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शनल कॉन्सेप्ट था, मतलब उसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं हुई है, कोई भी हमारे सामने ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि किसी भी यहाँ पे स्कल्पचर किसी भी बुक पे यहाँ पे बिलीव नहीं करते थे पर उनको पढ़ाया जाता था, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखोगे वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास को नहीं माना, ये नहीं बोला कि वेदास के ऊपर हम लोग सवाल नहीं कर सकते हैं, दे ऑलवेज क्वेश्चन ऑलवेज रीथिंक। यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है वो भी करेक्ट है कि बाकी और जो रिलीजन है उनकी भी यहाँ पे टीचिंग्स को यहाँ पे एंटर करवाया गया था। और आप देखो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व रहे ब्रह्मो समाज के अंदर, राजा राममोहन रॉय तो थे ही, उसके साथ आप देखोगे द्वारकानाथ टैगोर, फिर यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे इन्वॉल्व रहे यहाँ पे ब्रह्मो समाज के अंदर। एक चीज़ और, द फर्स्ट ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन 1861 और ये लाहौर पे फाउंड हुआ था और यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया था पंडित नोबिन चंद्र रे ने, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। ओके, और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन द आंसर इज डी, सो द आंसर इज डी, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना कि कैसे करेक्ट है, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है घटका के बारे में। घटका क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है, ए इट इज़ अ फोक डांस फ्रॉम ओडिशा, दूसरी है या बी स्टेटमेंट है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है एसोसिएट करती है यहाँ पे सिख से, तीसरी है यहाँ पे इट इज़ अ फोक डांस फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से बिलोंग करती है, और फोर्थ है इट इज़ अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद गोरखास। तो क्या है घटका, जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। तो यहाँ पे आपके साथ कुछ डिस्कशन ले लेता हूँ मैं घटका के बारे में कि क्या है ये। तो देखो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये यहाँ पे तलवारें नहीं है, ये एक नॉर्मल वुडन स्टिक है। ओके, तो घटका क्या है, घटका बेसिकली हमारे देश का एक इंडियन मार्शल आर्ट है और ये बेसिकली जो सिक्स होते हैं उनसे ये बिलोंग करता है। यहाँ पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे जो स्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, पर बाद में इसका इस्तेमाल स्वॉर्ड्स के साथ भी करने लगे। जब 1857 की जो लड़ाई थी उस समय पर यहाँ पे रीएमर्ज हुआ था ये पर्टिकुलर जो मार्शल आर्ट है और उस समय स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और गटका जो शब्द है इट प्रॉपरली रेफर टू दी वुडन स्टिक, ओके, तो गटका वुडन स्टिक को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद सिक्स, ओके, सो द आंसर इज बी। और यहाँ पे इसको दो फॉर्मेट में सेलिब्रेट करते हैं, एक तो यहाँ पे जो रिचुअलिस्टिक यहाँ पे फॉर्मेट होता है और दूसरा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स के पर्पज से भी इसको यहाँ पे बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में।
यहाँ पे तीन, यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट है वेल्स डॉल्फिन्स एंड डुगोंग कैन ऑल्सो बी सीन इन द ग्रेट बैरियर रीफ, तो यहाँ पे वेल्स डॉल्फिन्स और डुगोंग आपको ग्रेट बैरियर रीफ में देखने को मिल जाएंगे। तीसरी है एस्ट्रोनॉट्स कैन सी द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द स्पेस, अंतरिक्ष से यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 या डी 1, 2, 3। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन ले लेता हूँ आपके साथ ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है उस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आउटर स्पेस से हम लोगों को ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है क्योंकि ये सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स क्या होती है? कोरल रीफ बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन कोरल पॉलिप्स एंड जू एक्जेंथले। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग कोरल रीफ्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी ऑफ द कोरल रीफ्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पर इसको हेरिटेज साइट के रूप में भी, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया था 1981 के अंदर। इन सब पर्टिकुलर चीज़ों को आप लोग याद रखना। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। उम्मीद है आप लोगों ने करेक्ट आंसर कर दिया होगा। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, डिस्कशन ले लेते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ इट इज़ फाउंड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लेना। इट इज मेड अप ऑफ 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स। और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर से यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ को देख पाते हैं। मैरीन एनिमल्स कॉल्ड कोरल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। इसके साथ जो कोरल हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर करते हैं जो बहुत ही हार्ड और हार्ड शेल बना देते हैं बिल्कुल स्केलेटन के तरह। और यहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो उसमें बहुत सारी जो लाइफ है उसको सपोर्ट करता है, जैसे फिश, सी टर्टल्स, जैन काम, सी हॉर्स, सी स्नेक, नांडी ब्रांच, सी टर्टल्स, स्टिंगे, शार्क्स एंड मैनी मोर। और यहाँ पे जो मेंशन किए गए थे उनको भी सपोर्ट करता है, चाहे वो डॉल्फिन हो या डोगोंग हो। यहाँ पे आप देखोगे ओवर 1500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश लिव इन द ग्रेट बैरियर रीफ इंक्लूडिंग द क्लाउन फिश एंड द स्टार ऑफ द एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग इन नेमो। तो आपने नेमो पिक्चर देखी होगी तो उसके अंदर जो क्लाउन फिश है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप देखोगे वेल्स डॉल्फिन्स डुगोंग दे कैन ऑल्सो बी सीन इन दी ग्रेट बैरियर रीफ। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोगों को ग्रेट बैरियर रीफ में देखने को मिला है। पर मैं आपको भी रिसेंट करंट अफेयर एक बता देता हूँ। अभी पता लगा था, ये अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जो हमारे जो कोरल रीफ्स हैं वो कई सदियों से यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं उनसे रजिस्ट करती आई हैं और अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी रजिस्ट कर जाएंगी हमारी जो कोरल रीफ्स हैं वो। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, कहीं भी कोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो यहां पे है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में। तो बेसिकली ये एक जो हम लोग कह रहे हैं ना रिवर लिंकिंग स्कीम उसका पार्ट है। तो पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हैज इंटरलिंक्ड रिवर्स। तो कौन कौन सी यहां पे रिवर्स को इंटरलिंक कर रहा है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, आपको बताना है। ये एक फैक्चुअल सवाल है। नंबर 1 गोदावरी, नंबर 2 कृष्णा, नंबर 3 महानदी। और आपके ऑप्शन है ए 1 एंड 3, बी 1 एंड 2, सी 2 एंड 3 या डी 1, 2, 3। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिए होंगे। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब 1 एंड 2। तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को यहाँ पे इंटरलिंक कर रहा है पट्टी सीमा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम। जितनी भी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है जो कि लिंक कर रही है दो नदियों को, उनके जो नेम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और वो किन किन नदियों को यहाँ पे लिंक कर रही हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलर लिफ्ट इरीगेशन का प्रोजेक्ट है। तो जो 5 सवाल हैं आज के वो यहीं ओवर होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ डिस्कशन लेके। तो प्लीज़ लाइक करना, अपने अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बता सकते हो। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।